हेलो दोस्तों, सीएससी परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक नए सीएससी वेली हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जिसके बारे में मैं बताने। अगर आप अपना सेंटर सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं या आप नहीं चाहते हैं कि हमारा सेंटर बंद हो जाए, तो आपको कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे आपका सेंटर बिल्कुल भी ना बंद हो। जिन्होंने अभी नई नई सीएससी आईडी लिया हुआ है या जिनका नया नया सेंटर अभी बनाए हैं, तो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है ये वीडियो। अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की लेटेस्ट और लीगल जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीएससी की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है ट्विटर हैंडल के जरिए कि जितने भी न्यू सीएससी रजिस्ट्रेशन किए हैं या जिनका सीएससी आ गया है सीएससी आईडी, और वो लोग टीईसी का एग्जाम नहीं पास किए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हमारे सीएससी वीली ऐसे हैं जो टेक रजिस्ट्रेशन करने के बाद दो चार असेसमेंट कंप्लीट किए, इसके बाद उन्होंने सीएससी आईडी के लिए आवेदन कर दिया, क्योंकि अगर आप एक भी असेसमेंट कंप्लीट नहीं किए रहेंगे तो आपका टेक वैलिड नहीं रहता है। जब आप 3 से 4 असेसमेंट कंप्लीट पास कर लेते हैं तो आपका टेक वैलिड बताने लगता है सीएससी रजिस्ट्रेशन करते समय। तो वहां से आपने सीएससी रजिस्ट्रेशन कर दिया, इसके बाद आपका सीएससी अप्रूवल भी हो गया और सीएससी आईडी बनकर के आ चुका है, आपने सेंटर स्थापित कर दिया और काम स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे लोग, जिन लोगों ने सीएससी के टीईसी का एग्जाम पास नहीं किया है सीसीई का, उनका जो सेंटर है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपना जो टीईसी का एग्जाम है वो पास कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना टीईसी एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आपका सेंटर परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे, ना आपको सीएससी आईडी मिलेगी। तो यही था हमारे नए सीएससी वीली भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सीएससी की तरफ से जो निकल के आया है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की लेटेस्ट और लीगल जानकारी आप लोगों तक तुरंत पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।